हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये 3 टन का एसी एलजी का है और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 2-3 दिन के बाद या कभी 1 घंटे कभी 2 घंटे के बाद इसका एमसीबी है ना ट्रिप हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आया तो इसका गैस चेक किया, ये जो चार्जिंग लाइन गेज लगा हुआ है और एम्पियर भी चेक किया, ये दोनों सही दिखा रहा है। यानी एम्पियर भी हमारा सही है और इसका जो बैक प्रेशर है गैस का वो भी सही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि 2-3 दिन के बाद एमसीबी ट्रिप होता है। और क्या रीज़न है क्यों ट्रिप होता है, ऊपर का थोड़ा कवर खोल के देख लेते हैं। कोई कैपेसिटर कॉन्टैक्टर का कोई क्लिप तो डैमेज नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैं आपको गैस का प्रेशर दिखाता हूँ। ये गैस का प्रेशर है, आप देख पा रहे हैं 70 है, 70 इसका बैक प्रेशर है, 70 बैक प्रेशर। और एम्पियर इसका है, एम्पियर इसका आप देख पा रहे हैं लगभग 17 एम्पियर तक जा रहा है। ठीक है, 17 एम्पियर तक जा रहा है। ये 20 एम्पियर का मशीन है तो हमारा एम्पियर भी सही है। अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, एम्पियर 18 तक एम्पियर जाएगा। और बैक प्रेशर आप देख लिए, बैक प्रेशर भी सही है। अभी इसको कवर को खोलते हैं और देखते हैं कुछ जला है कि नहीं जला है। अगर नहीं जला है तो आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कवर तो मैं ओपन कर दिया हूँ लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो जला हुआ हो। आप ये कॉन्टैक्टर देख रहे हैं, कॉन्टैक्टर का पूरा वायर भी लगा हुआ है और लूज कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये भी सही है। 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। दोस्तों, मैं पिछला वीडियो में बताया था कि एसी में 2 कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख कर ज़रूर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अभी इसका कंप्रेसर के पास आते हैं। कंप्रेसर का अब ये वायर देखिए, ये तो मिल्ट हो गया है, लगता है काफ़ी रस्टी हो गया, इसमें पानी भी कुछ हो गया दोस्तों। इसके वजह से हो सकता है क्योंकि ये 2 तो थिम्बल सही है, ये पूरा जंग पकड़ा हुआ है, रस्टी हो गया है और ये ना पानी पानी की तरह हो गया है। तो दोस्तों, इसके वजह से ट्रिप हो सकता है। इसको मैं अभी सही करता हूँ, उसके बाद से 1 दिन मैं चेकिंग में डालेगा। 1 दिन के बाद अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर दूसरा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। कई बार एमसीबी क्या होता है, एमसीबी भी थोड़ा सा अंदर इंटरनल प्रॉब्लम, मैकेनिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो ट्रिप होने लगता है। तो अभी तो प्रॉब्लम मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये थिम्बल का ही प्रॉब्लम है क्योंकि ये रस्टी हो गया है और रस्टी होने की वजह से एक करेंट इसको प्रॉपर मिल नहीं पा रहा होगा, थोड़ा बहुत स्पार्क करता होगा जिसकी वजह से एमसीबी ट्रिप हो जाता है और कभी कभी सही चलता है। तो इसको सही करते हैं, उसके बाद से एसी को चालू करते हैं। दोस्तों, मैं इसमें कनेक्टर लगा दिया, आप देख पा रहे हैं कनेक्टर लग गया है। और ये होता क्या है कि जब पुराना हो जाता है और रस्टी हो जाता है यानी जंग पकड़ लेता है तो इसका जो करंट है वो करंट प्रॉपर नहीं ले पाता है, जिसके वजह से एसी एमसीबी ट्रिप होता है। और कंप्रेसर भी बार बार अगर ऐसे होता रहेगा तो कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। तो मैंने उसको साफ़ सफाई करके एक कनेक्टर डाल दिया है, अभी अच्छे से मैं लगा के अभी एसी को चालू करता हूँ क्योंकि ये बहुत ओल्ड कंप्रेसर है, लगभग 10-12 साल पुराना कंप्रेसर है। तो अभी धीरे धीरे उसका थिम्बल ख़राब हो रहा है और थोड़ा बहुत लूज कनेक्शन होता है तो वो स्पार्क होके ना उसका थिम्बल ख़राब होने लगता है दोस्तों। तो अभी तो इसको मैं फ़िलहाल सही कर दिया हूँ, अभी एमसीबी ट्रिप नहीं होना चाहिए। कभी कभी इसमें 4 से 5 दिन लग जाते थे, एसी सही चलता था, 4 से 5 दिन के बाद ट्रिप होता था, कभी 2 घंटे में ट्रिप हो जाता था, कभी 2 दिन में ट्रिप होता था। तो यही प्रॉब्लम था। तो अभी इसका प्रॉब्लम तो यही था, अभी इसके बाद देखते हैं, अगर इसके बाद ट्रिप होता है तो एमसीबी जो डीबी में लगा हुआ है उसको चेंज करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 100% प्रॉब्लम यही था जिसकी वजह से एमसीबी ट्रिप हो रहा था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। जय हिंद।